हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू अ वंडरफुल क्लास जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कॉकरोच के बारे में। एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा टॉपिक जो नया नया परोसा गया है थाली में बाय RNTA, है ना। तो यार बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले तो बता दूं, जो भी नए लोग जुड़े हैं इस स्ट्रीम में, लेट मी टेल यू अबाउट दिस चैनल एंड द सीरीज दैट वी आर कंटिन्यूइंग। वी आर कंटिन्यूइंग अ लेवल अप सीरीज इन दिस नीट वन चैनल। तो इस लेवल अप सीरीज में एवरी डे यू विल गेट वन शॉट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हर दिन वंडरफुल कॉन्टेंट, एकदम हाई क्वालिटी के लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। और ये लेवल अप सीरीज जो है ना बच्चों, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है कीपिंग इन माइंड ऑल दोज लेट स्टार्टर्स। जो लेट स्टार्टर्स तो नहीं बोलूंगी, ऐसे लोग जो चाहते हैं नीट क्लियर करना पर यार भटके हुए हैं, किसी के बैकलॉग्स लगे पड़े हैं, किसी के डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, किसी को कोई 12th का बच्चा है जो पता नहीं उसको कि बोर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करे कि अभी नीट पे कॉन्सेंट्रेट करे, काफी टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया उसने। तो बच्चों अभी भी स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर, इवन टुडे इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं नीट क्लियर करना है, देन दिस लेवल अप सीरीज इज फॉर यू। दिस लेवल अप सीरीज सच में बता रही हूँ बच्चों, अगर आप लोग ना शिद्दत से हर दिन ये वन शॉट्स आप लोग लगाओगे, ट्रस्ट मी देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्रैकिंग नीट। है ना, बस शिद्दत से हर दिन क्लास लगाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और वो वीडियोस देखना है जो एजुकेशनल हो, जो आपको नीट के कंटेंट दे रहे हो, जो हमारा ये नीट वन चैनल आपको देगा, है ना बच्चों। तो फटाफट से यार शुरू करते हैं ये वंडरफुल सा टॉपिक जो हम लोगों ने सोचा था NTA ने सिलेबस से निकाल दिया है, बट यार गुगली फेंक दिया है, हमें फिर से ये टॉपिक करना है। मैं जब फ्रॉग पढ़ा रही थी कितनी खुश थी कि यार फ्रॉग का मैक्सिमम पार्ट्स ना हम ह्यूमन से मैच करता है। आई एम सो हैप्पी, यू विल नॉट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क। पर यार कॉकरोच इज बैग, नो मैटर कितना बैगन, कितना हिट आप लोग यूज कर लो, वो जो ये म्यूजिक है ना, ना 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 ला 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 ला, वो वाला म्यूजिक के साथ आ गया है, कॉकरोच इज बैक, है ना। कॉकरोच इज बैक एंड वी विल कॉल दिस कॉकरोच मिस, विल कॉल हर मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया। यार ये कॉकरोच देख के बोलो कि इसको मैं मिस बोलूंगी कि मिस्टर इंडिया बोलूंगी, नॉट इंडिया, मिस वर्ल्ड या मिस्टर वर्ल्ड। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड यार, इसीलिए ये मिस वर्ल्ड या मिस्टर वर्ल्ड होगी। बट ये क्या है, व्हाट जेंडर इट इज, लुकिंग एट इट कैन यू टेल फटाफट से, लुकिंग एट इट जस्ट बाय लुकिंग एट द पिक्चर कैन यू टेल, ये है मिस वर्ल्ड। ओके, दिस इज मिस वर्ल्ड, क्योंकि ये वर्ल्ड की हर जगह पाई जाती है। और ये मिस क्यों है हम लोग अभी जानेंगे, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पढ़ेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो यार बिफोर वी बिगिन यस नीलम यू आर करेक्ट, इट इज अ फीमेल। बट बिफोर वी बिगिन, जो भी नया बच्चा है जिसको कंफ्यूजन है, कल ही मैंने एक कमेंट देखा था जिसपे किसी ने मुझे पूछा था कि मैम अर्थवर्म नहीं आएगा क्या। अरे बहुत कंफ्यूजन केओस होया पड़ा है यूट्यूब में, हजारों अलग अलग वीडियोज है। तो जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं, लेट मी गिव यू एन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कि यार लास्ट जो अपडेट आया था ना NTA का, उसमें ना उन्होंने कुछ FAQs रिलीज किए थे, उसमें उन्होंने ये क्लेरिफाई किया था कि बच्चों आप लोगों को फ्रॉग और कॉकरोच दोनों चीजें पढ़नी है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि जो भी नए सिलेबस में दिए गए हैं पर हमारे NCERT में उसका नाम और निशान नहीं है, वो सारे भी हमें पढ़ने हैं, क्योंकि वो बाकी सारे बोर्ड जैसे महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ये सारे जगहों में उनको पढ़ाया जाता है। तो भाई जो नीट के बच्चे हैं वो लोग भी ये सारे पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने रिलीज किया था, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है। प्लीज 10 वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट मत करना, है ना। देयर इज ओनली 2 months फॉर बोर्ड्स। टू ऑल एवरीवन हु इज इन क्लास 12 राइट नाउ, आज ही आप लोगों को अराउंड 6 o'clock एक बहुत ही मजेदार सा चुट्टू सा वीडियो मिलेगा, जिसको आप लोग 1.5x में चलाना, एंड दैट विल गिव यू अ
यू नो अ मजेदार सा स्ट्रेटजी अबाउट हाउ टू टैकल योर बोर्ड्स अलोंग विद नीट. दोनों किया जा सकता है यार. कितनों ने एम्स क्रैक किया है 12th के साथ तो हो जाएगा. साइंटिस्ट नाम लिखा है अपना तुमने तो साइंटिस्ट हो यार, तुम तो कर ही लोगे. नहीं ओके, तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को दे दिया है. हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं. ये छोटा सा एकदम छोटा सा सेशन होगा क्योंकि वी विल ओनली टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग हियर. एनाटॉमी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका आप लोगों को वीडियोज मिल जाएगा आज शाम को ही. बिकॉज यू नो मॉर्फोलॉजी इतना ईजी नहीं है जैसे कि फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी है जो हम लोगों ने झट 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 खत्म कर दिया था ना. दीज मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच हैज different kind of mouth parts जो इर्द गिर्द भी नहीं है humans के इर्द गिर्द. humans की तरह मतलब humans की तरह तो है ही नहीं भाई, ये तो अलग ही है, होगा ही ना. it's an insect right, it's an insect. तो चलो यार फटाफट से start करते हैं हमारी Miss World की कहानी. and let us begin by talking about what is there in this chapter. we have morphology just like in frog and we have anatomy. morphology माने की फटाफट से chat section में जो भी मुझे देख रहे हैं लिख दो यार. morphology माने की and anatomy of cockroach. morphology मतलब वो बाहर से कैसे दिखता है. ये सेल्फी ले रहा है यार, ये बाहर से एक्सटर्नल अपियरेंस. नीलम वेरी गुड, एक्सटर्नल अपियरेंस कैसा है, बाहर से कैसा दिखता है, उसका हाथ कितने हैं, पैर कितने हैं, पंख कितने हैं, ऑल दोज आर मॉर्फोलॉजीज. एंड उसको ऐसे काट के, इसको ऐसे चीरा लगा के काट के अंदर का ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खींच के निकाल के बाहर रखा गया है. ये सिस्टम सारा जो हम लोग अंदर का पढ़ते हैं दैट इज एनाटॉमी. ठीक है यार, ऐसे काटा है मैंने कॉकरोच. जब मैंने बैचलर्स मास्टर्स कर रही थी ना तो हम लोगों को दिया जाता था कि यार कॉकरोच काटो. कॉकरोच काटते थे हम लोग, फ्रॉग काटते थे. बट यार आप लोग तो नीट क्लियर करोगे, यू विल गो डायरेक्टली टू मेडिकल कॉलेज एंड यू विल कट, यू विल डाइसेक्ट ह्यूमन बॉडीज, है ना. चलो जी स्टार्ट करते हैं. और हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय टॉकिंग अबाउट सम जनरल पॉइंट्स ऑफ कॉकरोच. सबसे पहले तो बताओ कॉकरोच कब दिखता है. कॉकरोच जनरली कब दिखता है, रात को जब आप लोग बाथरूम जाते हो तब, या फिर किचन में जाते हो तब, है ना. क्यों? क्योंकि वो है नॉक्टर्नल एनिमल. नॉक्टर्नल मतलब जो रात को ज्यादा एक्टिव रहते हैं. रात को जब भी आप बाथरूम जाते हो आपको दिखेगा कि ये कॉकरोच धीरे 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 चल रहा है. वो आपकी तरफ नहीं आएगा, वो छुपने का भी कोशिश नहीं करेगा. ही इज लॉस्ट. मतलब आप फट से लाइट ऑन कर दोगे तो उसको समझ नहीं आएगा मैं यहाँ जाऊँ वहां जाऊँ कहाँ जाऊँ. वो वहीं पे रुका रहेगा काफी टाइम. पता है क्यों? बिकॉज ऑफ हिज आईज. जैसे ही लाइट ऑन कर देते हो ना ही बिकम्स, हिज विजन बिकम्स वेरी ब्लरी, है ना. His vision becomes very blurry. तो उस वजह से वो इधर जाऊं करके वहीं रहता है. और मुझे तो तब तक डर नहीं लगता जब तक वो उड़ता नहीं है. जैसे ही वो पंख लेके उड़ा भाई वहीं पे खेल खत्म. उस रूम का दरवाजा बंद करो और उधर से निकलो. बोलो ऐसा और कौन करता है मेरे जैसा, और कौन करता है, किसका ये हाल होता है कि एक उड़ते हुए कॉकरोच को देख के हाल खराब किसका हो जाता है. चलो फटाफट से और दूसरे इसके कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं, इसके कैरेक्टर्स भी पढ़ लेते हैं. ये क्या क्या खाता है? सब खा जाता है. ये आपके बुक्स भी खा सकता है. ये नॉन वेज वेज ये सारे वेगन ये सब छोड़ दो, वो तो आपके मतलब बुक्स वगैरह भी खा जाएगा. आप नोट्स कहीं परे रखोगे वो सब खा जाएगा. ही इट इज एन ओमनीवोर एंड नॉट जस्ट एन ओमनीवोर. अगर कोई उसके ही स्पीशीज का कोई एक मरा हुआ है एंड he is not getting any other food, he will eat the dead body of his own species, जिसको हम लोग बोलते हैं cannibalism. तो cockroach ना यार cannibalism भी शो करता है. मतलब वो अपने species का ही खा जाएगा organism. yes he can do that.
और ये ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है डैम्प एरिया में, यू नो, उसका इम्यूनिटी बहुत खतरनाक अच्छा होता है। कहीं भी रख दो उसको, कहीं भी रख दो, वो एकदम मस्त रिप्रोड्यूस करेगा, मस्त रहेगा, ही हैज नो प्रॉब्लम। इसीलिए तो इतने सालों से कॉकरोच इज स्टिल देयर, कॉकरोच इज स्टिल एग्जिस्टिंग, बिकॉज इट्स इम्यून पावर इज लाइक ऑसम। एंड इसका कारण है इसके जीन्स, इसके जीन्स बड़े पावरफुल है, बट वी डोंट हैव टू गो इन टू दैट। बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट दिस स्पीशीज बिकॉज ऑफ द ऑसम क्वालिटी ऑफ जीन्स इट हैज। तो डैम्प जगहों में आप लोगों को ज्यादातर मिलेगा कॉकरोच। सो इट इज हाईली हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग ना अपना सराउंडिंग्स क्लीन रखो, डस्टबिन को कवर करके रखो, खाने को कवर करके रखो, रॉटन फूड अगर हो उसको डिस्कार्ड करो, है ना। वी शुड नॉट लेट दिस कॉकरोच रोम इन एंड अराउंड आर रेसिडेंस, है ना। ये तो बहुत अच्छे से हमारे किचन्स में भी रहता है, विच इज वेरी बैड, क्योंकि देखो इट इज अ पेस्ट एंड वेक्टर, देख लो भाई, ऑफ सेवरल डिजीजेस। ये कितने सारे बैक्टीरियल डिजीज, कितने सारे चीजों को वो एज अ वेक्टर कैरी करके हमारे खाने पे छोड़ देता है। हम लोग खाना खा लेते हैं और हो जाते हैं बीमार, है ना। तो ये कॉकरोच बहुत डेंजरस है एंड वी शुड ट्राई ऑल पॉसिबल मीन्स टू कीप इट अवे, स्पेशली फ्रॉम आर किचन्स, है ना। चलो ये हुए उसके बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट्स। अभी आ जाते हैं सबसे पहले उसके क्लासिफिकेशन पे, ठीक है, क्लासिफिकेशन पे। और क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने फ्रॉग में कहा था, क्लासिफिकेशन कॉकरोच का पढ़ोगे ना आप लोग तो क्लासिफिकेशन से ही काफी कुछ पता चल जाता है। मैक्सिमम थिंग्स, मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉकरोच इज अंडरस्टूड थ्रू जस्ट इट्स क्लासिफिकेशन। भाई चलो देखते क्लासिफिकेशन। क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास है, क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा में अगर कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, मतलब कि इट हैज टू पेयर ऑफ फ्लाइंग एपेंडेजेस एंड थ्री पेयर ऑफ लेग्स, मतलब दो पेयर ऑफ विंग्स होंगे उसके पास। कोई भी क्लास इंसेक्टा में हो, दो पेयर ऑफ विंग्स होंगे ही होंगे उसके पास, और थ्री पेयर ऑफ लेग्स मतलब टोटल छह लेग होंगे ही होंगे उनके पास। नाउ द कॉकरोच इज इन क्लास इंसेक्टा, मतलब इसके दो पेयर ऑफ पंख है और छह पैर हैं। इट इज अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मतलब जॉइंट, है ना, जॉइंट एपेंडेजेस। पोडा मतलब पोडिया। हम लोगों ने एक फ्रॉग का क्या देखा था, इट वॉज टेट्रापोडा, इट हैज फोर लेग्स। नाउ दिस इज आर्थ्रोपोडा, इट हैज जॉइंट लेग्स, है ना। जेनस पेरीप्लैनेटा एंड स्पीशीज इज अमेरिकाना। अभी बहुत सारे स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पाए जाते हैं, अनगिनत, बहुत सारे। इट हैज आई डोंट नो मोर देन 80 स्पीशीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पर यार हमें सिर्फ ये पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के बारे में पढ़ना है। अभी अमेरिकाना नाम है, इसका मतलब क्या ये है कि ये अमेरिका से आया हुआ है, क्या ये फॉरेनर है, हैं? Is it a foreigner cockroach? यार बता दो। It is not a foreigner cockroach. It is actually for India. But यार सुनो कहानी बताती हूँ कि इसको अमेरिकाना क्यों कहा गया। ये एक्चुअली अमेरिका से नहीं है, इट इज फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका का मतलब ये स्पीशीज है, ये पर्टिकुलर कॉकरोच स्पीसीज इज फ्रॉम अफ्रीका। बट पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत सारे शिप्स से सामान इस जगह से उस जगह हम लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, है ना, और उस शिप में ये बहुत सारे कॉकरोच छुपके बैठ गए थे अफ्रीका में, ठीक है, छुपके बैठ गए थे और समुद्र के थ्रू डुक 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 पहुंच गए अमेरिका में, और अमेरिका से वो पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अमेरिकाना। तो हम लोगों को जो स्पीशीज पढ़ना है, दैट इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। इट इज जस्ट अ नेम ऑफ वन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच, ठीक है। अभी कॉकरोच ना देखो कितने हाइट शेप लेंथ के होते हैं, बट हमें वट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इज वॉट इज गिवन इन आर एनसीईआरटी। भाई हमें बाकी किसी से मतलब नहीं, एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, बस एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का डेटा याद रखना है। क्या ये विजिबल है आप लोगों को, इज दिस आर दीज लाइन्स विजिबल, और शुड आई राइट इट इन वाइट कलर फॉर यू। सबसे पहला पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ जो कॉकरोच के बारे में है,
डिस्गस्टिंग कॉकरोच. अच्छा सुन लो यार, सबसे पहला और सेकंड पैराग्राफ जो एनसीईआरटी का है ना, वहां पे दो डेटा दिए गए हैं अबाउट द लेंथ ऑफ कॉकरोच. बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ कर देगी अगर क्वेश्चन आया तो. सबसे पहला पैराग्राफ जो है उसमें ये कह रखा है कि क्वार्टर 1 by 4 inches to 3 inches. अच्छा यहां नहीं लिखते हैं यार, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा ये पार्ट. इज दिस लाइन विजिबल टू यू पीपल? ये साइज वाला लाइन क्या विजिबल है आप लोगों को? बच्चों फटाफट से बता दो यार. 1 by 4 inch, 1/4 inch, 2-3 inch और 0.6 to 7.6 centimeter. ये है एक जनरल एवरेज. अगर कॉकरोच के बारे में अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि कॉकरोच का बता दो तो ये होगा 0.6 to 7.6 centimeter इज देयर साइज, इज देयर लेंथ. ठीक है, 1/4 to 3 inch और 0.6 to 7.6 centimeter. ये देखो यार, ये जो यूनिट्स है वो गड़बड़ नहीं करने का, यूनिट्स प्लस दीज डेटास. अभी देखो लोग बोलने को बोल सकते हैं कि यार रट्टा मार वाला सब्जेक्ट है बायो, पर यार क्वेश्चंस ही अगर ऐसे पूछे तो हमें याद रखने पड़ेंगे ना. क्वेश्चंस अगर कॉन्सेप्चुअल पूछे कि यार कॉकरोच ये वाला क्यों करता है, ये बिहेवियर क्यों दिखाता है, तब हम भी थोड़ा यू नो लॉजिकल आंसर्स दे पाएंगे कि इवोल्यूशन के थ्रू ऐसा हुआ था इसलिए शायद वो लोग इस ये बिहेवियर फॉलो करते हैं. बट यार क्वेश्चंस आवर एनालिसिस पैटर्न ऑफ एनालिसिस ही ऐसे डेटास के पर होते हैं. वेल assertion एंड रीजन आर लाइक टेकिंग their प्लेस स्लोली ग्रेजुअली इन टू द नीट पेपर, पर यार ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ कॉकरोच पूछा जाए, ओनली कॉकरोच, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना का नामो निशान अगर ना हो क्वेश्चन में, तो डेटा ये होगा. पर सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना का डेटा दे रखा है जो है 34 to 53 मिलीमीटर. अरे कहाँ चला गया मिलीमीटर, एम दूसरा वाला यहां लिख दे रही हूं. ठीक है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना ये है आंसर. ये ऐसे याद रखना 3, 4, 5. ठीक है, 3, 4, 5 फिर 3 और एमएम में है इसका क्या, एमएम में है इसका यूनिट. ठीक है बच्चों, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सतरंगी अतरंगी ये क्या कलर्स है भाई, ये एनसीईआरटी में दिया गया है इसलिए मैंने इसका अलग अलग कलर बना के आप लोगों को दिखा दिया कि भाई कॉकरोच ना ट्रॉपिकल एरियाज में रेड येलो ग्रीन ये सारे कलर्स के भी पाए जाते हैं. जैसे हम लोग के स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं होता, रेड टीम येलो टीम ब्लू टीम ग्रीन टीम, इनका भी वैसा ही है. ये भी अलग अलग कलर्स के पाए जाते हैं, अलग अलग स्पीशीज के होते हैं. ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी का डेटा. चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक नेक्स्ट अबाउट. ये तो मैंने एनसीईआरटी का दे दिया है, शुड आई रीड इट आउट फॉर यू? ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया यार, ये वाला जो पैराग्राफ है इसी के बारे में डिस्कस किया है. शुड आई रीड इट आउट फॉर यू? पर यार बेकार लेंदी करके सेशन फायदा ही क्या है. ये रखा हुआ है, आप लोगों के पास भी एनसीईआरटी होगा. जिसके पास पुराना एनसीईआरटी नहीं है उसको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी न्यू एनसीईआरटी में. कहाँ मिलेगा फिर? आपकी केक्यू मैम देगी, टेलीग्राम चैनल में ये पूरा अपलोड हो जाएगा यहां से पढ़ लेने का. ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी स्लाइटली हाईलाइटेड बाय मी. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करने से पहले ना यार बात करना पड़ेगा उसके बॉडी कवरिंग, है ना. मॉर्फोलॉजी माने आउटर कवरिंग के बारे में बात करना पड़ेगा ना, रंग रूप कैसा है हमारे कॉकरोच महाराज का. तो यार ये जो कॉकरोच है उसके बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड वाटरप्रूफ, देखो भाई रेनकोट पहन के फिरता है ये, वाटरप्रूफ काइटेनियस
एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर, काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन। उसका रेनकोट कैसा है? काइटिन का बना हुआ है, मतलब उसका कवरिंग, ठीक है, उसका कवरिंग काइटिन का बना हुआ है। ईच सेगमेंट हैज हार्डेंड, ये चलो ये वाला एनिमेटेड था, फिर आया नहीं रहा था ये, चलो अभी समझ में आ गया। अभी बताओ, अभी ये कॉकरोच को मैंने क्या किया, इधर से कट मार दिया, उसका गला से नीचे अब्डोमेन के एरिया पे मैंने काट दिया उसको ऐसे, ठीक है, काट दिया। और उसको मैं ऊपर से देख रही हूं एब्डोमेन को इस तरीके से, है ना, तो मुझे क्या दिखेगा, इस तरीके का एक चीज देखेगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने इसको कहां कट लगाया, ब्लेड भी बना रखा है यार, नहीं आएगा तो कैसे होगा, ये ब्लेड भी बना रखा है कि मैंने उसको एग्जैक्टली कतलेआम किस एरिया में किया है ना, कि कहां काटा है। चलो काट दिया तो उसके डॉर्सल, डॉर्सल मतलब उसके पीठ वाले एरिया पे जो एक प्लेट होगा, काइटिनियस प्लेट होगा, उसको क्या कहते हैं हम, इट सेगमेंट हैज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट्स, पर टर्गाइट्स डॉर्सली एंड स्टर्नाइट्स वेंट्रली। इनके ना ऊपर नीचे प्लेट्स होते हैं काइटिन के बने, जिनको हम लोग स्क्लेराइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेराइट्स। अभी स्क्लेराइट्स जो पीठ के साइड में है उसे हम लोग कहेंगे टर्गाइट्स। ये व्हाइट वाला ऊपर के साइड का प्लेट है चलो टर्गाइट्स कहते हैं। और उसके बाद नीचे का पोर्शन जो है, नीचे का प्लेट जो है, उसे हम लोग कहते हैं स्टर्नाइट्स, ठीक है। और एंड टर्गाइट्स एंड टर्नाइट्स आर व्हाट, दीज आर स्क्लेराइट्स। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, स्क्लेराइट्स, राइट, स्क्लेराइट्स, स्क्लेराइट्स डॉर्सली, डॉर्सली जो मैं डी लिख रही हूं, आर कॉल्ड टर्गाइट्स, TERGITES, एंड दे आर वेंट्रली, वेंट्रल साइड में, नीचे के साइड में उनको क्या कहते हैं हम लोग, स्टर नाइट्स, ठीक है। यार हम लोगों का भी स्टर्नम है ना, उसी से नाम आया स्टर्नाइट्स, इसका भी फ्रंट का प्लेट को बोलते हैं स्टर्नाइट्स। अभी ये जो ऊपर का प्लेट है और नीचे का प्लेट है, कॉकरोच को ऐसे हाथ में लेके ऐसे ऐसे दबाओगे ना तो ऐसे ऐसे हिलेगा वो, इट इज केपेबल ऑफ मूविंग, ऊपर का प्लेट और नीचे का प्लेट ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे हिल सकता है वो। तो वो क्यों हो पाता है, क्योंकि इसके साइड में ना ये और एक प्लेट है भाई, इसका कोई जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, आप लोगों को याद नहीं रखना है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। टर्गाइट्स टर्नाइट्स आर देयर इन योर एनसीईआरटी, प्लूरॉन इज नॉट देयर, बट यू शुड नो कि एडिशनली साइड में ना है एक प्लेट, और उसको कौन पकड़ के रखा है, कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, उन मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थरॉइडल मेम्ब्रेन। ये अर्थरॉइडल मेम्ब्रेन ना देखो कैसे कैसे पकड़ा हुआ है ना, और ये मेम्ब्रेन ना फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसको ऐसे 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 करो ना तो वो मूव करता है, हाँ, मूव हो पाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ अर्थरॉइडल मेम्ब्रेन। तो ऐसे ये टर्गाइट्स और स्टर्नाइट्स का 10 प्लेट्स है, 10 सेगमेंट है अब्डोमेन में, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों कि इसको इधर काट दोगे तो सामने और पीछे क्या दिखेगा, यस यार स्टर्नाइट्स वेंट्रल वहीं पे अटके हो यार, बताओ फटाफट से, समझ में आया कि नहीं आया। कॉकरोच को काटेंगे तो ऊपर से हम लोग को ऐसा दिखेगा, ऊपर का प्लेट को हम लोग बोलते हैं टर्गाइट्स, नीचे को बोलते हैं स्टर्नाइट्स। ये देखो, दैट आर जॉइंड टू ईच अदर बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल इरेजर, से पोंछ देते हैं ये सब, पता नहीं कौन बनाता है, चलो, बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कॉल अर्थरॉइडल मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट गुड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। क्या ये समझ में आया? जब तक सब लोग नहीं लिखोगे ना, यस मैम समझ गए, तो तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाली। बता दो ये टर्गाइट्स और स्टर्नाइट्स की कहानी और ये अर्थरॉइडल मेम्ब्रेन जो ये दो बंधुओं को पकड़ के रखा है, क्या ये आपको समझ में आया? फटाफट से यस मैम बोल दो, यस गीतांजलि नीलम, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और लेट्स टॉक अबाउट ये क्या है, ये इसके पंख निकाल दिए हैं, इसके पैर निकाल दिए हैं,
ये रहा उसका सर, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हमारा कॉकरोच। इसका सर, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। डू यू सी इसका सर कैसे है? इट इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। इट इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद द थोरैक्स पार्ट, है ना? और थोरैक्स का ही थोड़ा सा पार्ट क्या करता है, एक्स एज अ नेक, इधर एक चुट्टू सा पार्ट नेक बन के पकड़ा हुआ है हेड को, ठीक है? और वो नेक के कारण ही वो खतरनाक फ्लेक्सिबल रहता है उसका सर, ठीक है? डू यू सी, दिस इज अ ट्राइंगुलर हेड ऑफ द कॉकरोच। इट इज अटैच्ड 90 डिग्री टू द थोरैक्स थ्रू अ नेक। और ये नेक का पार्ट कौन फॉर्म करता है? ये थोरैक्स का ही चुट्टू सा पार्ट एक हेड फॉर्म करता है। एंड देन दे वी हैव एन एब्डोमेन विच इज ऑफ 10 सेगमेंट्स, ओके, बोथ इन मेल एंड इन फीमेल। अभी चलो इनको दे देते हैं पंख, पंख देते थे इनको, पंख दे देते हैं। अभी देखो, सबसे पहले पंखों से पहले बात करते हैं, ये जो सबसे पहले बात करते हैं ये इनके क्या हैं, थोरैक्स की। थोरैक्स इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, डू यू सी दैट? दिस इज कॉल्ड प्रोथोरैक्स, दिस इज कॉल्ड मेसोथोरैक्स, मेजो, एंड दिस इज कॉल्ड मेटाथोरैक्स, ठीक है? थोरैक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अभी ये जो मेसोथोरैक्स है, मेसोथोरैक्स से एक लंबा सा पंख है इनका, देख रहे हो, लंबा सा पंख है, बट ये पंख वो यूज ही नहीं करता उड़ने के लिए। ऐसे बोलते ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये भाई इसके दिखाने के पंख है, इससे वो उड़ता नहीं है। दिस इज ओपेक, ओपेक लेदरी 4 विंग, क्योंकि ये प्रेजेंट है मेसोथोरैक्स में, इसे हम लोग मेसोथोरैसिक विंग भी बोलते हैं, मेसोथोरैसिक विंग, राइट? अगर बच्चों आप लोगों को पता है इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, आता है तो आप लिख भी दोगे तो यार रिवाइज भी हो जाएगा, नहीं? चलो अभी अगले पार्ट में, मेटा वाले पार्ट में भी एक विंग है, बट वो चुट्टू सा है, बट इसे वो यूज करता है उड़ने के लिए, यूज्ड टू फ्लाई। Yes, it is used to fly. It is thin and membranous. ये थिन होता है, membranous होता है, और इसके थ्रू वो उड़ता है, ठीक है? और जब resting state में होता है ना, तो ये जो उसका बड़ा वाला पंख है उससे वो cover करके बैठा रहता है। आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि cockroach का बस one pair of wing ही है, क्योंकि यही वाला पैर दिखता है, यही वाला पैर नीचे वाले actual wing को cover करके बैठा रहता है, ठीक है? और male के case में आप देख सकते हो ये एब्डोमेन से थोड़ा आगे तक है विंग, क्या आप देख सकते हो? एब्डोमेन से थोड़ा आगे, थोड़ा लंबा है उसका विंग। ये सिर्फ पाया जाता है मेल के केस में, यहां लिखते हैं, इन केस ऑफ मेल द फोर लिम्ब extends extends from the abdomen. Yes, bacho? Yes. 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 Okay. सब लोगों को समझ में आया। अभी एक बात करते हैं इसके, वेयर इज इट, क्या आप लोगों को ये दिख रहा है बच्चों? एक येलो कलर का
एक येलो कलर का मैंने ऐसे एक प्लेट बना दिया है, जिसको मैंने अभी व्हाइट कर दिया है। खैर, ये व्हाइट कलर का जो प्लेट है, जो किसको कवर कर रहा है? कवरिंग द प्रोथोरैक्स। इसे हम लोग कहते हैं प्रोनोटम। इट इज नोन एज, लेट मी राइट इट विद सम अदर कलर ताकि ये विजिबल रहे। इट इज कॉल्ड प्रोनोटम। ओके, इट इज अ प्लेट, अगेन अ काइटेनियस प्लेट, जो इसके ऊपर, प्रोथोरैक्स के ऊपर पाया जाता है। चलो अभी अभी लेके आते हैं इनके पैरों को। यस, देयर दे कम। कितने पैर हैं? तीन इस साइड है, तीन उस साइड है, मतलब थ्री पेयर्स ऑफ लेग। दिस इज फ्रॉम द प्रोथोरैक्स, दिस इज फ्रॉम द मेसोथोरैक्स, एंड दिस इज फ्रॉम द मेटाथोरैक्स, एंड थ्री पेयर्स ऑफ दीज विंग्स आर यूज्ड टू वॉक। थ्री ऑफ देम आर वॉकिंग लेग्स। जैसे कि ये उड़ने के लिए यूज नहीं होता, दैट डजंट मीन कि इनके एक वैसे पैर भी पाए जाते हैं, अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं, जो काम नहीं करते। भाई तीनों के तीनों, तीनों के तीनों पैर, दे वर्क। ओके, यस। तो इसे भी, सिंस दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट थोरैसिक एरियाज, दीज आर ऑल्सो नेम्ड अकॉर्डिंगली। इसके पहले वाले पेयर ऑफ लेग जो प्रोथोरैक्स में पाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रोथोरैसिक लेग्स, प्रोथोरैसिक लेग्स। इसे हम लोग बोलते हैं मेसोथोरैसिक लेग्स, मेसोथोरैसिक, एंड दिस इज नोन एज मेटाथोरैसिक लेग्स, मेटाथोरैसिक। यस, we have a neck here as well, which is very important for us to mark, क्योंकि generally हम लोग भूल जाते हैं इस neck के बारे में। ये neck बहुत important है, क्योंकि ये head को बड़ा ही flexible सा बनाता है। तो clear है बच्चों? Is this diagram helpful? And again, this is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 different segments, both in male and in female. Now apart from that, they also have a anal cerci, okay? या फिर कोई anal cerci भी बोलते हैं इसे। आप लोग बोलना, आप इसे कैसे pronounce करते हो? This is called anal. Anal. It is present in the ninth segment. Sorry, in ninth segment में present होता है. It is called anal. सर सी, ये ना सेंस करता है सराउंडिंग्स को। ये बोथ मेल एंड फीमेल में भी पाया जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, बट दिस इज मोटा मोटी द आउटसाइड अपियरेंस। एंड यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली बात किया इन डिटेल अबाउट द थोरैसिक एरिया। इज इट क्लियर एवरीबडी? इज इट क्लियर एवरीबडी? तो फटाफट से यार, ये जो हमारा थोरैक्स एरिया है, उसको फटाफट से रिवाइज कर लें। थोरैक्स जो है ना, ये इट इज डिविजिबल इनटू थ्री पार्ट्स, प्रो, मेजो एंड मेटा। प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, है ना, मेटाथोरैक्स। अभी देखो बच्चों, बहुत सारे बुक्स में या मॉड्यूल्स में ये जो लेग्स हैं, जो हर एक आपको थोरैसिक सेगमेंट में मिलता है, ये जो लेग्स है, दीज आर सेगमेंटेड। ओके, दीज आर सेगमेंटेड। इनके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, और अलग अलग सेगमेंट्स के ना अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। दीज आर लाइक थ्री पेयर विच आर सेगमेंटेड। ये क्या बना दिया? दीज आर सेगमेंटेड। बट हमें इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमेशा याद रखना, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2024, यू आर नॉट डूइंग अ पीएचडी ऑन कॉकरोच, यू आर नॉट डूइंग अ पीएचडी ऑन एनी सब्जेक्ट, एनी लाइक, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपको पीएचडी नहीं करना। आपको सिर्फ, I'll only talk about biology, because rest physics और chemistry के पास, हमारे physics और chemistry के लिए हमारे पास धुरंधर teacher है, they are like the best in their fields, but I'll only talk about biology. Biology में ना NCERT के बाहर अगर आप step करोगे, आपका नुकसान है।
क्योंकि मैंने बहुत बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स ऐसे बुक्स देखे हैं जिसमें इसका डिटेल दिया गया है, ये कौन सा था, ये इसको क्या क्या डिफरेंट नेम्स से इसको बोलते हैं, अलग अलग डिफरेंट नेम्स. यार क्या हम लोग के पास याद करने के लिए कम मटेरियल है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी इज इन इटसेल्फ अ ह्यूज ह्यूज बुक टू रिमेंबर ईच एंड एवरी डेटा, राइट? तो यार ये सारे जहाँ भी अगर तुम कहीं और पढ़ भी रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ाया भी हुआ है, डू नॉट रिवाइज इट, डू नॉट गो थ्रू इट, इसको अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश मत करना यार, इट्स नॉट हेल्पफुल. इट्स नॉट हेल्पफुल. जो काम की चीजें हैं उसको डालो दिमाग में, ठीक है? यू जस्ट ओनली हैव टू रिमेंबर कि यार प्रो मेसोमेटा में तीन हमारे प्रोथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक लेग एंड मेटाथोरेसिक लेग है. यहां पे भी है बट आई एम नॉट ड्रॉइंग देयर, ओके? इट इज अ पेयर. यहां होगा तो यहां भी होगा. उसके अलावा हम लोग बात करते हैं अबाउट द विंग्स. मेल में क्योंकि बड़े पाए जाते हैं, मैं इसमें बड़ा बना रही हूँ. दिस इज मेसोथोरेसिक विंग एंड देन उसके नीचे होता है मेटाथोरेसिक विंग हम लोगों के पास, है ना? चलो ये हो गया हम लोगों का रफ डायग्राम. इसको लेबल कर लेना, मैं लेबल करके ही अपलोड करूंगी एज अ पीडीएफ, बट लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम क्योंकि मैंने लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी लिख दिया, राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट कि एनसीईआरटी में क्या दिया गया है. एनसीईआरटी में वही, इधर से स्टार्ट करो, ठीक है? माउथ पार्ट्स वी विल स्टडी नाउ. थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स. उसके बाद उनका शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स का चुट्टू सा एक्सटेंशन बिकम्स द नेक, है ना? हम लोगों ने बात किया, इट बिकम्स द नेक एंड देन इट पेयर्स, इट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स. कितने पेयर्स? थ्री पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं इनके पास. अच्छा, ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं टैग, टैग मी ना, और फोर विंग, फोर विंग या टैग मी ना. देखो, फोर विंग्स कॉल्ड tegmina, four wing called tegmina are opaque, dark and leathery and cover the hind wings when at rest. Resting state में कौन cover करके रखता है? Tegmina, four wings, okay, which is present in the कौन सा thorax? Mesothorax, yes. The hind wings are transparent, membranous and are used in flight. चलो एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट उसके हेड. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पता नहीं कैसे कैसे से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. और ये देखो, ये है हेड, देख रहे हो किस तरीके से अटैच रहता है वो प्रोथोरैक्स के साथ. डू यू सी, दिस इज द हेड, ओके? और इसी हेड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विच लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स. And yes, it is complex, but हमें सिर्फ NCERT से stick रहना है भाई. जितना NCERT बोल रहा है बस उतना ही पढ़ेंगे हम लोग, नहीं? चलो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इनके आँखों के बारे में. हम लोग जब frog पढ़ रहे थे, what did we study? कि frog has a pair of simple eyes, simple compound eyes. Simple eyes, sorry. और यहाँ पे they have a pair of compound eyes. है ना? और ये कंपाउंड आईज आर मेड अप ऑफ, दे आर कंपोज्ड ऑफ, कहा गया ओमटीडिया, मैंने नहीं लिखा क्या? वन पेयर ऑफ कंपाउंड आईज आर प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ द हेड. ईच कंपाउंड आईज पोजेस यूनिट नोन एज ओमटीडिया, ठीक है? दे हेल्प इन विजन. चलो एक बात मैं बता देती हूँ फटाफट से आप लोगों को कि कॉकरोच का जो आई है उसके बारे में भी बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, बट वी शुड नो समथिंग वेरी बेसिक अबाउट इट, इज दैट इट इज नॉट लाइक आर आईज, है ना? उनके आंखों में छोटे छोटे 2000 जैसे ओमाटीडियाज पाए जाते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे, ठीक है? अगर आप उसके सामने खड़े हो, चलो फटाफट से बना देते हैं. ये है किसका, किसका कमेंट है सबसे लास्ट? गीतांजलि. चलो ये है गीतांजलि, ठीक है? गीतांजलि खड़ी है यहाँ पे, और गीतांजलि का ना जब वो देखेगा तो गीतांजलि को हर एक ओमाटीडिया से ये एक सेक्शन बना लेगा, ऐसे एक एक ओमाटीडिया उसको अलग 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 पार्ट को देखेगा. एक एक ओमाटीडिया गीतांजलि के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को देखेगा और फिर उसको कंबाइन करके, स्टिच कर
करके एक सिंगल इमेज बनाएगा. यस, एंड इट लुक्स समवट लाइक दिस. इसे हम लोग बोलते हैं मोजाइक विजन. क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मोजाइक, मोजाइक विजन. वो पहले घरों में मोजैक फ्लोरिंग हुआ करता था ना, छोटे 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 पत्थर डाल के उसको मस्त मोजैक फ्लोरिंग बनाते थे. सेम सेम एज इट इज यहाँ पे भी है कि ये मस्त मोजैक विजन देख पाता है. ठीक है, मस्त मोजैक विजन देख पाता है. एंड दोज आर वेरी इफेक्टिव, बहुत सही से काम करता है रात के टाइम पे. बताओ क्यों? फटाफट से, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट सुन के मजा आ जाएगा आप लोगों को कि क्यों. क्योंकि इसके इर्द गिर्द के जो एरियाज है ना, दीज एरियाज दैट आर होल्डिंग द ओमाटीडियाज, होल्डिंग द ओमाटीडियाज, दे अब्सॉर्ब लाइट. जो लाइट जब चक्कर जैसे उसके ऊपर पड़ता है, ये लोग लाइट अब्सॉर्ब करते हैं. लाइट अब्सॉर्ब करके ये सारे एरियाज एक्सपैंड हो जाते हैं. ये सारे एरियाज जो ओमाटीडिया के इर्द गिर्द के एरियाज हैं, वो एक्सपैंड हो जाते हैं. ठीक है, एक्सपैंड हो जाते हैं. तो ये गोलू गोलू सा जो ओमाटीडिया है, वो ओमाटीडिया क्या होता है, दूर दूर हो जाते हैं. अभी ये पूरे पास है, इसलिए यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये फ्लावर का एक गार्डन का फोटो है. बट अगर ये डॉट्स थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, इट विल बी डिफिकल्ट टू यू नो आइडेंटिफाई कि सामने क्या है. इसीलिए जब झट से आप किचन का लाइट ऑन करते हो, ये लोग हो जाते हैं अंधे. ठीक है, दिस लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, आंखों के मोजैक ओमाटीडियाज सेपरेट हो जाते हैं एंड ये लोग समझ नहीं पाते इधर जाए उधर जाए और उड़ के आपके ही ऊपर आ जाते हैं. नहीं, चलो ये बात था कंपाउंड आईज के बारे में. इतना डिटेल में नहीं दिया गया है बट आप लोगों को ये याद रखना है कि इसके पास है भाई ओ बड़े बड़े कंपाउंड आईज. उसके अलावा दे हैव ऑसिलस. ऑसिलस क्या है? ऑसिलस का मतलब, इसका जिक्र तो टेक्स्ट में कहीं नहीं है बट क्योंकि डायग्राम में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का. एनसीईआरटी में तो मतलब टेक्स्ट में कुछ कुछ वर्ड्स नहीं होते जो टेबल्स में होते हैं, ऐसे डायग्राम्स में होते हैं, डायग्राम के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें होते हैं, है ना. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट डोज एज वेल. ठीक है, तो यार ये ऑसिलस जो है, ऑसिलस इज नथिंग बट सिंपल वेस्टिजियल आई. उनके पास सिंपल आई भी किसी जमाने में रहा होगा. इवोल्यूशन के थ्रू उनको ये वाला विजन ज्यादा यूजफुल लगा फॉर देयर लाइफ एंड वो सिंपल आई जो था उनका, दैट बिकेम वेस्टिजियल. जैसे हमारे अंदर क्या है, वॉट वेस्टिजियल पार्ट डू वी हैव इनसाइड आवर बॉडी, वॉट वेस्टिजियल पार्ट डू वी हैव इनसाइड आवर बॉडी. यार फटाफट से बता दो हमारे वेस्टिजियल पार्ट्स क्या क्या हैं. कौन बताता है सबसे पहले, मैं देखती हूं यार कौन सबसे पहले आंसर देता है. कोई भी वेस्टिजियल पार्ट बता दो बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का वेस्टिजियल पार्ट, ह्यूमन बॉडी का वेस्टिजियल पार्ट. यार आई एम वेटिंग, फटाफट से कौन आंसर देगा? कोई नहीं आंसर देगा यार, बता दो वेस्टिजियल पार्ट. वेस्टिजियल पार्ट ऑफ कॉकरोच इज दिस ऑसिलस आई. बट ह्यूमन बॉडी का वेस्टिजियल पार्ट जो इज ऑफ नॉट ऑफ एनी यूज इज अपेंडिक्स. वेरी गुड मिराज, मिराज ने अभी सही जवाब दिया. मिराज चुपचाप बैठा था कब से बट आया तो पूरा सही जवाब लेके आया. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो ह्यूमन बॉडी का एक वेस्टिजियल पार्ट है. गुड जॉब मिराज. चलो नेक्स्ट, अभी बात करते हैं एंटेना के बारे में. एंटेना ये जो दिख रहा है आप लोगों को, कहां गया? हाँ, ये जो टिंग 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 सामने कर रहा है, क्या कर रहा है? जो सेगमेंटेड है ना, दोज आर एंटेनीज. उसके पास वन पेयर ऑफ एंटेना है, इज प्रेजेंट इन कॉकरोच. दीज अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट्स. देख लो, लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईज, दे आर टेक्टाइल इन फंक्शन एंड हेल्प्स टू डिटेक्ट फूड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. दे कैन टच एंड फील थिंग्स थ्रू देयर एंटीना, इसीलिए इसको टेक्टाइल बोल रहे हैं. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां लिखा है, दे आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनस सॉकेट्स. कहां है ये जो सॉकेट्स
जिसमें बैठा हुआ है एंटीनी, उसे हम लोग बोल रहे हैं मेम्ब्रेनस सॉकेट्स. ठीक है, मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईज, दे आर टेक्टाइल. इसका काम क्या है? टेक्टाइल, ये टच करके ऐसे फील कर लेता है व्हाट इज इन फ्रंट, इट्स सराउंडिंग्स एंड एवरीथिंग. दे आर टेक्टाइल इन फंक्शन एंड हेल्प्स टू डिटेक्ट फूड. एंटीनी का काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू डिटेक्ट फूड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. Yes, अभी तक बोलो किसी को भी कोई भी डाउट है तो. यार वी कैन गो इन वेरी डिटेल अबाउट फ्रॉग. मजेदार सा ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी डिफरेंट फीचर्स है, बट यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग स्टिक करें ओनली टू दी एनसीईआरटी. जितना इंफॉर्मेशन दिया गया है एनसीईआरटी में, उसके अलावा बाहर कूदने का इच नहीं. यस, चलो तो ये था, दिस वॉज अबाउट कंपाउंड आईज. उसका एक वेस्टिजियल आई है ऑसिलस, और उसके एंटीनी के बारे में, मतलब हम लोगों ने आंखों के बारे में, ऑसिलस के बारे में और एंटीनी के बारे में बात कर लिया है. अभी क्या रह गया है? उसके सिर के नीचे वाला भाग, और नीचे वाले भाग में क्या है? फिर से देखो, इसको आने दो सामने अभी वो. हाँ, नीचे वाले पार्ट में क्या है? उसके माउथ पार्ट्स है. Do you see that? It is his mouth parts. Or mouth parts to bhai is very important. Mouth parts of cockroach is very important. But yaar, mouth parts mein jaane se pehle, kya NCERT ka ye diagram hum log fatafat se pad le to raha sa? Fatafat se dekh lete hai yaar ki hum logo ne padha hai ki nahi. This is the head. ओके, ऐसा हो सकता है कि एनसीईआरटी में ऐसे लेबल करके दे दें और बताएं कि ये ए बी सी डी ई, इनका करेक्ट नाम बताओ. ये भी हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है. ठीक है, ये है फोर विंग. यहाँ पे आप लोग एक देख सकते हो, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे. इसको ये जो प्रोथोरैक्स है, वाइट से बनाती हूँ, जो प्रोथोरैक्स है, प्रोथोरैक्स इसके नीचे होगा ना, यहाँ होगा प्रोथोरैक्स. राइट, दिस इज प्रोथोरैक्स, जो ये प्रोनोटम के नीचे होगा. फटाफट से लिख देते हैं, ये प्रोनोटम के नीचे होगा प्रोथोरैक्स. यस, प्रोनोटम के नीचे होगा प्रोथोरैक्स. पर फोर विंग देख लो बच्चों, फोर विंग देख लो बच्चों, कहाँ लगा हुआ है? वेयर इज द फोर विंग अटैच्ड टू? द फोर विंग इज अटैच्ड टू, यहाँ पे डायग्राम के अनुसार इट इज अटैच्ड टू द प्रोथोरैक्स. बट यार दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसको होना चाहिए था इस तरीके का कुछ, बिकॉज द फोर विंग इज अटैच टू द मेसोथोरैक्स. नहीं, ये डायग्राम में थोड़ा सा फ्लॉ है. तो ये मेसोथोरैक्स है जिससे फोर विंग्स अटैच्ड है. देन वी हैव प्रोथोरैसिक लेग्स, ये लेग्स के बारे में दिया है, मेटाथोरैसिक लेग्स एंड मेसोथोरैसिक लेग्स. कितने थोरैसिक लेग्स आ गए भाई? प्रोथोरैसिक, मेसोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक लेग. अच्छा, ये मेटाथोरैक्स, ये मेटाथोरैक्स के बारे में बताया गया है इसको. ये लेग्स नहीं है भैया, दिस इज नॉट लेग्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर फीचर्स. ये है इसका अब्डोमेन, ये है एनल सर्सी, एंड देन उसके बाद ये टेगमिना हम लोगों ने बात कर लिया था. ये है हाइंड विंग विच इज यूज फॉर फ्लाइंग, और उसके अलावा इट हैज कंपाउंड आईज एंड फिलीफॉर्म एंटीनी. एंटीनी में सेंसरी पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू ये टेक्टाइल और आसपास की जगहों को फील कर पाता है. यस, चलो हर एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है. आगे बढ़े. यस, ये है फिर से एनसीईआरटी का पार्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट यार लेट्स गो थ्रू इट. हेड इज ट्राइंगुलर. हाँ भाई, हेड ट्राइंगुलर है. वी एग्री टू एनसीईआरटी इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस. ये लॉन्गिट्यूडनल बॉडी का एक्सिस में ये राइट एंगल 90 डिग्री में हेड पाया जाता है, जो कि ट्राइंगुलर होता है. इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन. ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी एनसीईआरटी ने. ये कॉकरोच जब वो लार्वल स्टेज, कॉकरोच इधर लिखते हैं इसको, कॉकरोच यंग कॉकरोच या फिर लार्वल स्टेज ऑफ कॉकरोच में कितने होते हैं? 6 सेगमेंट्स इन हेड रीजन.
हेड रीजन, ठीक है, सिक्स सेगमेंट्स होते हैं जो कि फ्यूज कर जाते हैं, इट फ्यूजेस एंड फॉर्म्स, कितने फ्यूजेस एंड फॉर्म्स, जस्ट वन सेगमेंट इन एडल्ट, वन सेगमेंट इन एडल्ट कॉकरोच, यस अंडरस्टूड एवरीबडी, इन एडल्ट कॉकरोच. छह प्लेट्स, छह अलग अलग प्लेट्स मिलके हेड बनाते हैं व्हेन द कॉकरोच इज यंग इन द लार्वल स्टेज, बट देन व्हेन इट ग्रोज अप, व्हेन इट बिकम्स एन एडल्ट, जब वो मैच्योर हो जाता है, सारे फ्यूज होके बस एक ही प्लेट रहता है. वैसे इसके अब्डोमेन में भी एक सेगमेंट का वैसा होता है. इट इनिशियली यूज टू बी 11 सेगमेंट्स, जो 10 सेगमेंट हो जाता है व्हेन दे बिकम एडल्ट, बट उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, तो हमें याद भी नहीं रखना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि भाई हेड का ही सिर्फ याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, बाकी तो मैं लिखूंगी भी नहीं, ठीक है. चलो, शोज एंड इट शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस. कितना मूव कर सकता है वो, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक. और ये फ्लेक्सिबल नेक उसको किसने दिया, प्रोथोरैक्स का थोड़ा सा एक्सटेंशन जो नेक बन गया उसके कारण उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिली, इतनी मोबिलिटी मिली है, ठीक है. इट हैज कंपाउंड आईज, इट हैज थ्रेड लाइक एंटेनी, अराइजेस फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईज, ठीक है. दे हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट. देखें, दे हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट. यार बच्चों, फटाफट से बताओ, क्या तुम लोगों ने सुना है कि अर्थक्वेक आने से पहले ही ना कॉकरोच ये कीड़े मकोड़ों को पता चल जाता है और वो लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल के आ जाते हैं अपने बिलों से, बड़ों से, या फिर जहाँ भी इर्द गिर्द छुपे रहते हैं, पूरे सारे झुंड ऑफ कॉकरोच या फिर इंसेक्ट्स दे कम आउट, उनको पहले पता चल जाता है अर्थक्वेक का, क्योंकि इनके पास होते हैं बहुत सारे सेंसरी पार्ट्स जो ह्यूमन से पहले ही वो लोग सेंस कर पाते हैं. ये बस लोगों का कहा हुआ बात नहीं है, दिस इज एक्चुअली साइंटिफिक थिंग दैट आई एम टेलिंग यू कि दे कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द मूवमेंट एंड फीलिंग अराउंड देयर एनवायरमेंट मोर पावरफुली देन वी ह्यूमंस डू, है ना, बिकॉज दे हैव सेंसरी पैपलीज एंड एनल सर्साई, जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं. इट इज ऑल्सो एन ऑसम ऑसम सेंसरी पार्ट दैट कॉकरोच आर गिफ्टेड विथ, है ना. तो चलो, यहाँ पे क्या, कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग, यस दे कैन मॉनिटर द एनवायरमेंट अराउंड इट. इतना मस्त मॉनिटर कर पाते हैं इर्द गिर्द के एनवायरमेंट को, अपने आप को इतना मस्त बचा पाते हैं अपने इर्द गिर्द के प्रिडेटर से, इवन इंसानों से भी, कि इनका प्रजाति जो है बस लाइक फ्रॉम डेकेड्स, और पता नहीं इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर से ये चलते ही आ रहे हैं. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर्स दैट हैज एवर लिव्ड एंड दैट इज कंटिन्यूइंग टू लिव, है ना. इनको खत्म करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्योंकि इनका जीन्स, आई टोल्ड यू, इज लाइक सो पावरफुल. इनके ऊपर केमिकल्स भी छिड़कोगे ना आप, एक दो मरेंगे, उसके बाद देयर जीन्स आर सो पावरफुल दैट दे अडैप्ट एंड दे मेक देमसेल्व इम्यून टू द केमिकल्स दैट यू आर स्प्रेइंग टू देम. सो दे आर लाइक With time, they are just like becoming more and more powerful. Yes, Gitanjali is saying just like wow. Their genes are just like wow. चलो, काश इंसानों को भी, नहीं, इंसानों को वैसा जीन मिल जाता तो पता नहीं और कितने साल रहते और कितने population increase करते, नहीं, which would have been so difficult. चलो, whatever happens in nature happens for a reason. चलो, anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing part. ये हम लोग पढ़ेंगे. अभी जो इनका mouth parts है, those are biting and chewing type. तो अभी आप बोलोगे mouth से तो bite, chew ही करते हैं, और क्या करते हैं? यार, जो हमारे mosquitoes हैं, they are gifted with sucking type of mouth parts. उस बारे में बात कर ले हम लोग कि इनका mouth parts है biting or chewing type of mouth parts. The mouth parts consisting of the, ये हम लोग अभी पढ़ते हैं, पर चलो यहाँ लिखा है तो पढ़ लेते हैं. Labrum, upper lip, a pair of mandible, maxilla. ऐसे पढ़ूंगी तो समझ नहीं आएगा, दिखा देते हैं आप लोगों को, है ना. चलो, तो इनका जो मुंह है, मान लो ये है मुंह, ठीक है, टिंग टिंग टिंग,
दिस इज द माउथ ऑफ कॉकरोच. चलो ये वाला ऊपर का पार्ट इज कॉल्ड लेब्रम, नीचे का पार्ट लेबियम, और उसके अंदर क्या होता है, दांत, विच इज मैंडिबल. और मैंडिबल के साथ साथ इनके पास ऐसे सेंसरी भी एक पार्ट होता है. चलो इंसानों की तरह बात कर लेते, एक अपर लिप होता है लेब्रम, लोअर लिप मैंडिबल, हमारे पास दांत है ना, इनके पास दांतों की जगह क्या है, दे हैव मैंडिबल जो चबाते हैं, ठीक है, दांतों का काम हो गया. और क्या है हमारे मुंह के अंदर, वी हैव टंग, टंग की जगह इनके पास क्या है, हाइपोफेरिंग्स है, हाइपोफेरिंग्स. सेम है अपर लिप लोअर लिप, दांतों के जगह मैंडिबल, टंग के जगह हाइपोफेरिंग्स. पर इसके अलावा और एक सेंसरी पार्ट है जो इर्द गिर्द के सराउंडिंग को, फूड को एक बहुत अच्छे से सेंस करके इट कैन फाइंड आउट, वो सेंसरी पार्ट क्या है, इट इज द मैक्सिला. मैक्सिला बस वही एक थोड़ा अलग एक्स्ट्रा पार्ट है, क्योंकि देखो अपर लिप लोअर लिप टीथ और टंग हमारे पास भी है. इसको टीथ मत कह देना गलती से भी, मत बोलना कि क्यों मैम बोली है, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. चलो ये है लेब्रम अपर लिप, ये है लेबियम लोअर लिप. समझ में आया बच्चों, उनको तो एनटीए भी नहीं मार सकता, सीरियसली एनटीए भी नहीं मार पाया, उसको सिलेबस से हटा नहीं पाया हम इंसान तो बस. खैर लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, ठीक है. उसके बाद टंग के जगह वी हैव हाइपोफेरिंग्स, और दांतों की जगह दे हैव मैंडिबल विथ विच दे च्यू द फूड, च्यू एंड ब्रेक डाउन द फूड. वैसे कॉकरोच के पास ना एक इंटरेस्टिंग सा चीज भी है, वंस दे गल्प इन द फूड इट गोज इन टू देयर इंटेस्टाइन, वहां भी उसकी मतलब ग्राइंडिंग होती है. हाँ हम लोग इंटेस्टाइन में उसका पढ़ेंगे, इट्स फंटास्टिक. अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों ने कॉकरोच पहले पढ़ा हो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो यार कि इसके एलिमेंट्री कैनाल में खाना खाने के बाद, चबाने के बाद अंदर जाके भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है, कहाँ पे होता है वो, फटाफट से कौन बताएगा यार, देखते हैं. चलो तो ये हो गया अपर लिप्स लोअर लिप्स, मैं देख रही हूँ कौन आंसर देता है उसका, अपर लिप लोअर लिप टीथ एंड देन ये सेंसरी पार्ट है मैक्सिला एंड बीच में है हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स. ओके क्या दो ही लोगों को आंसर पता है यार, आई नीड मोर आंसर्स. चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल. ये है अपर लिप लेब्रम, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स जो च्यू करता है, अ पेयर ऑफ मैक्सिले जो ऐसे सेंस करता है, लेबियम एंड टंग. वैसे ना जब मैं 12th में थी मैं तो भूल ही जाती थी ये लेब्रम और लेबियम, बाकी तो मुझे याद रहता था कि यार मैंडिबल जो चबाता है, हाइपोफेरिंग्स क्योंकि टंग हम लोग जैसा है, एक ही एक्स्ट्रा पार्ट है जिसे मैक्सिला कहते हैं जो सेंस करता है, ठीक है, जो सेंस करता है. पर मुझे ना कंफ्यूजन एग्जाम में ये कर देता था लेब्रम और लेबियम, अभी दोनों ही LL से स्टार्ट हो रहा है तो कैसे याद रखें, लेब्रम है रम, रम वोडका वाइन ये सब कौन खाता है या जो सॉरी पीता है, जो भी पीता है ये सब, जो भी इंसान को ये सारी चीजें पसंद है, वाइन वोडका रम ये सारी चीजें, वो लोग के लाइफ में ना दीज थिंग्स आर द प्रायोरिटी, वो लोग उन चीजों को ऊपर रखते हैं, ठीक है, लाइक उनके लिए एक पार्टी मतलब जहां पे वो जाके ये सारी चीजें पी सकते हैं, दे कीप द रम ऑन टॉप. तो ऑप्शन में अगर रम दिख जाए आप लोगों को कहां रखना है, क्या याद दिलाना है अपने आप को कि जो ये लोग पीते हैं वो ये सारी चीजों को अपने लाइफ में ऊपर में रखते हैं, तो लेब्रम माने अपर वाला जॉ, ठीक है, यस 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 ओके. और बाकी जो लेबियम है, लेबियम तो नीचे रहता है ना, लेबियम तो स्टेज डाउन, रम ऊपर, बाकी जो दूसरा वाला L वाला ऑप्शन है वो नीचे, ये याद रख लेना बच्चों, ठीक है. ये देखो मैंडिबल क्या करता है, ग्राइंडिंग करता है, इंसिजन करता है, और इसका मैंडिबल का देख रहे हो आप लोग ऐसे ऐसे से पार्ट्स है,
होने ही पड़ेंगे, इसके ऐसे पार्ट्स नहीं होंगे तो वो जो भी इंजेस्ट करेगा उसको ग्राइंड कैसे करेगा, है ना, उसको ग्राइंड कैसे करेगा, इट शुड हैव नुकीले पार्ट्स, ओके ऑलराइट। चलो अभी याद रहेगा, फटाफट से आंख बंद करो और खुद से बोलो मेरे साथ, हाँ, लेब्रम नीचे लेबियम, बाइट करने के लिए मैंडिबल, टंग, टंग को क्या बोलते हैं, हाइपोफेरिंग्स, एंड देन सेंस करने के लिए दे हैव मैक्सिला, ठीक है, बोला मेरे साथ, आई होप आप लोग बोल रहे हो मेरे साथ यार लाउड एंड क्लियर। चलो आ जाते हैं अभी एब्डोमेन पे, एब्डोमेन के बारे में बात करते हैं। द एब्डोमेन हम लोगों ने देख लिया था कि उसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं इन फीमेल, ये देखना यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट है इन फीमेल। डिफरेंट हम लोगों को और एक चीज मिली थी, क्या था, विंग्स जो लंबे हैं, दोज आर फाउंड इन मेल, जो एब्डोमेन से लंबे विंग्स होते हैं, फोर विंग्स होते हैं, दोज आर फाउंड इन मेल। अभी एब्डोमेन में भी एक डिफरेंस आएगा जो मेल और फीमेल में हम लोगों को दिखेगा, ओके, तो बी वेरी केयरफुल। इन फीमेल द सेवेंथ स्टर्नम and is boat shaped and together with the 8th and 9th sterna forms the brood or genital pouch, okay। अगर आप लोगों ने ये पहली बार पढ़ा है, नहीं समझ आ रहा है, don't worry, इन लोगों का 7th वाला segment, 7th sternum, sternum किसको बोलते हैं, ऊपर वाला, राइट, एंड नहीं, स्टर्नम इज द फ्रंट वेंट्रल पार्ट एंड टर्गाइट्स आर द ऊपर वाला, स्टर्नम हमारे भी सामने है तो ये फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है, स्टर्नम, सेवेंथ वाला पार्ट बोट शेप्ड होता है, सेवेंथ पार्ट इज, सेवेंथ जो सेगमेंट है इज बोट शेप्ड, बोट शेप्ड, और थोड़ा बड़ा भी होता है, है ना, क्योंकि यार फीमेल, ये सेवेंथ है क्योंकि ये फीमेल में दे हैव टू प्रोड्यूस एग्स इनसाइड देयर बॉडी, तो जनरली मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में फीमेल्स आर लिटिल लार्जर देन द मेल्स, तो सेम इस केस में भी है कि ये सेवेंथ जो सेगमेंट है वो बोट शेप्ड है, थोड़ा लार्ज है, और इसका एट सेगमेंट, एट और नाइन्थ सेगमेंट, ठीक है, एट और नाइन्थ, बाकी ये नीचे का टेंथ होता है, तो सेवेंथ, एट और नाइन्थ, ये सेगमेंट के अंदर ये पाउच पाया जाता है, जो जेनाइटल जेनाइटल एरियाज जहां है वो सेवेंथ, एट एंड नाइन्थ चैम्बर में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और कुछ यहाँ पे खतरनाक से वर्ड्स दिए गए हैं जो आप लोगों को खतरनाक लगेगा अगर आप लोगों ने कॉकरोच पहले नहीं पढ़ रखा, बट दीज आर वेरी इजी व्हेन वी टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, अभी दीज विल साउंड वेरी एलियन, बट प्लीज बेयर विथ मी, वेट, ठीक है। तो हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल, देखो आ गया, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड्स, यहां पे एक ओपनिंग है, ठीक है, इन तीनों पार्ट में देयर इज एन ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, जहां से ये लोग बोल रहे हैं तीन पोर है, तीन पोर है, वो कौन कौन से हैं, नंबर वन इज फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर, ये जो येल्लो वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, येल्लो वाला पार्ट, ये इधर से आया, इधर से आया, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, ठीक है, तो ये जो आ रहा है येल्लो वाला पार्ट और ये ओपन हो रहा है, ये ओविडक्ट, ओवरी यहाँ ओपन हो रहा है, इसे कहते हैं गोनोपोर, गोनोपोर, ओके एवरीबॉडी। चलो उसके बाद और एक, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेटरल पोर, कोलेटरल ये जो पेड़ पौधा जैसा दिख रहा है इसका भी ओपनिंग तो इधर ही है ना, है कि नहीं। उसके बाद ये स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिकल पोर, ये वाला भी तो यहीं पे है, नहीं यहीं पे है, तो हमें तीन अलग अलग पोर्स वहां दिखाई दिए, वन वॉज गोनोपोर, स्मर्मेथिकल पोर एंड कोलेट्रल पोर, ये सेवेंथ, एट, नाइन्थ सेगमेंट में पाए जाते हैं, और फीमेल में ये वाला पार्ट में बोट शेप्ड और बड़ा होता है। यस,
अंडरस्टूड? फीमेल वाला तो तभी इजी है, मेल में बच्चे खा जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है उन लोगों को। चलो देखते हैं मेल में क्या बोला गया है, मेल वाला ध्यान से देखना, ठीक है? मेल वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। इन मेल्स जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन। फीमेल में भी हाइंड एंड मतलब, हाइंड एंड मतलब लेट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में पाया जाता था। Bounded dorsally by 9th and 10th turga and ventrally by 9th sterna. ऊपर के पार्ट को टर्गाइट्स बोलते हैं, नीचे के पार्ट को स्टर्नम बोलते हैं। अभी बोला गया है ऊपर में 9th और 10th turga पर सिर्फ 9th sterna मिलके उसके अंदर ही उसका जेनाइटल एरिया रहता है। जेनाइटल ऑर्गन्स, जेनाइटल पार्ट्स उसी एरिया में पाए जाते हैं। अभी बताओ, जनरली कॉकरोच आर सेगमेंटेड। हाउ दे आर सेगमेंटेड? दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है? इस वाले चैप्टर में तो नहीं है, बट वी विल स्टडी अबाउट इट इन एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब बाहर का सेगमेंटेशन आल्सो कंटिन्यूज इनसाइड, इंटरनली भी बाहर का, जैसे आप बोल सकते हो 8 सेगमेंट में ये वाला पार्ट पाया जाता है, तो हर एक स्पीशीज में वो 8 सेगमेंट में वही वाला पार्ट पाया जाता है। दैट मीन्स वी आर इंटरनली ऑल्सो सेगमेंटेड। ओके, नाउ इंटरनली अगर सेगमेंटेड है तो मुझे ये बताओ, ये 9th सेगमेंट और ये 10th सॉरी 9th सेगमेंट और 10th सेगमेंट में पाए जाते हैं जेनाइटल पाउच और जेनाइटल पाउच बोलते हैं, चैम्बर तो ये पूरा होता है, बट जेनाइटल पाउच बोला है कि ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं टर्गाइट्स, टी लिखती हूँ, और नीचे में सिर्फ 9th में पाया जाता है। 10th इज द स्टर्नम, नीचे वाले में। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? अगर ऊपर में है तो वो इंटरनली सेगमेंटेड रहते हैं, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि ये 9th और 10th टर्गाइट्स में है बट नीचे सिर्फ 9th स्टर्नम में है? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये फटाफट से कंफ्यूजन हम लोग अभी क्लियर करते हैं, एंड वंस एंड फॉर ऑल योर कंफ्यूजन विल बी गॉन एंड यू विल नॉट बी कंफ्यूज ड्यूरिंग योर एग्जाम। अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे कहे हैं कि डॉर्सली बाय 9th एंड 10th सेगमेंट, ये 9th है, ये 10th है, ठीक है, और नीचे बाय द 9th स्टर्नम, ये 9th स्टर्नम है और 10th है नहीं, वो ऐसे क्लोज हो जा रहा है, ठीक है? दिस इज 9th एंड 10th टर्गाइट्स, ओके बच्चों, एंड 9th स्टर्नम, स्टर्नाइट्स, ओके? और एक बात देख लो, अभी ये कहा है इट कंटेन्स डोर्सल एनस। डोर्सल मतलब पीठ के तरफ। कोई सोचेगा, कोई ये सोचेगा भी एग्जाम में कि भाई डोर्सल एनस मतलब उसके पीठ के तरफ एनस है, ये तो रॉन्ग ऑप्शन ही है, ये तो सरासर गलत ऑप्शन दिया है ना? बट यार डोर्सल एनस लिखा है, डोर्सल मतलब इधर टर्गाइट से इधर ओपनिंग नहीं है, इट इज हियर द एनस इज हियर, टर्गाइट्स के साइड में एनस है, इट इज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डॉर्सल एनस। यस बच्चों, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डॉर्सल एनस। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस। मेल बियर्स वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस, वो यहां पे होता है। ये बाकी जो दो ओपनिंग है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस, चलो इसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। इसका जो जेनाइटल ओपनिंग वो कहाँ पाया जाता है? यही नीचे के तरफ वेंट्रल है, वो वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल ओपनिंग एंड गोनेपोफाइसिस, जहां से गोनेड्स निकलता है,
Males bear a pair of short thread-like anal styles which are absent in female. अभी frog में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो, कि frog में vocal sacs था सिर्फ male में, और तब मैंने बताया था कि यार कोई भी ऐसा एक part अगर सिर्फ एक gender में पाया जाता है ना यार, then that particular part is to attract the opposite gender, या फिर used for mating, या फिर in any ways used for the reproduction purpose, है ना? तो same यहाँ पे एक बड़े ही स्टाइलिश मेल होते हैं कॉकरोच का, जो मेल्स होते हैं याद रखना, दे आर वेरी स्टाइलिश स्टाइल, बड़ा ही स्टाइलिश सा मेल होता है इन लोगों का. एंड स्टाइलिश क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे हैव एनल स्टाइल. कौन से सेगमेंट में होता है? वो नाइन्थ सेगमेंट में होता है. अभी देखेंगे. अभी वोकल सेक्स का तो हमें पता चल गया था कि वो इतना जोर से आवाज निकालने के लिए यूज करता है ताकि यार दूर से भी एक फीमेल फ्रॉग उसे सुन पाए, है ना? तो एनल स्टाइल का अभी क्या काम है, इसका क्या मतलब प्रयोग है लाइफ में? तो ये जो एनल स्टाइल है उसके थ्रू वो फीमेल का जो वल्वा है उसको ओपन करता है. से दे ओपन इट, ओके, दे ओपन इट लाइक दिस, द वल्वा इज ओपन विद द हेल्प ऑफ एनल स्टाइल. उसके अलावा हम लोगों ने एनल सरसाई के बारे में भी, या फिर एनल सरखी के बारे में भी पढ़ा था, जो बोथ मेल एंड फीमेल में होता है. एंड दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव. इसके थ्रू दे सेंस द सराउंडिंग्स इन एंड अराउंड देम. बोथ सेगमेंट, बोथ सेक्सेस, द टेंथ सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सरखी. ये याद रखना, एनल सरखी या एनल सरसाई कौन से सेगमेंट में पाए जाते हैं? 10th सेगमेंट. एंड ये एनल स्टाइल इन देयर 9th सेगमेंट. यस, समझ में आ गया बच्चों? एनल स्टाइल एंड एनल सरसाई. यस, अभी उसके और बाकी एक माउथ पार्ट्स और बाकी सेगमेंट्स में एब्डोमिनल पार्ट्स रहते हैं, उसके अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. दैट वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट देयर एनाटॉमी, ओके? बट अभी के लिए ऑल दीज डिफरेंट पार्ट्स आर टेकन केयर ऑफ. एनल सरसाई पढ़ लिया हम लोगों ने, डिफरेंट. ये मैंने सबसे पहले पूछा था, फर्स्ट एकदम सबसे पहले वाले स्लाइड में, सबसे पहले वाले में, कि कैसे पता चला कि ये मिस वर्ल्ड है. हाउ इज शी अ मिस वर्ल्ड एंड नॉट मिस्टर वर्ल्ड? बिकॉज शी डोंट हैव व्हाट? फटाफट से बता दो यार. शी डोंट हैव विच पार्ट शी डोंट हैव. आई वॉन्ट आंसर्स यार, फटाफट से आंसर बता दो कि ये फीमेल क्यों है. अभी ही तो पढ़ा था यार, क्या कर रहे हो? ध्यान कहाँ है बच्चों? एनल स्टाइल, अभिलाषा इज द फर्स्ट वन टू आंसर. आई एम सो इम्प्रेस्ड. अभिलाषा ही है जो ध्यान से क्लास ले सुन रही है. गीतांजलि नीलम, पिटाई हो जाएगी अभी. हैं, इट इज एनल स्टाइल बिकॉज ऑफ विच, absence of which is telling us that it is a female cockroach, है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं. और आज का last part, morphology का last part, ये सबसे important part है बच्चों, कि इसका seventh, इस सबसे morphology का mouth parts, मैं बता देती हूँ, morphology का mouth parts, और ये जो male female में difference है इसके segments में, बस उसी पे question पूछे जाएंगे, उसी पे questions hit करेंगे वो लोग, अलग अलग तरीके से words को twist करके. बट अगर आपका concept clear है ना, then like कुछ भी डाल दे वो लोग question paper में, you will be able to answer. कुछ भी मतलब NCERT के अंदर के ही डालेंगे, but like in whatever way, in whatever pattern they twist and turn the question, you will be able to answer it, है ना? तो चलो, ये बहुत important है. Seventh segment boat shaped है, बड़ा है, brood pouch है उसके अंदर, ये female का है. और male में क्या हो जाता है कि ये ninth और tenth segment, और नीचे सिर्फ ninth रहता है, ठीक है? ये dorsally और ये स्टर्नाइट्स वेंट्रली, वेंट्रल साइड में सिर्फ नाइन्थ ही रहता है. और डॉर्सल एनस, देखो यहाँ पे हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एनस डॉर्सल है,
ये एनस डॉर्सल है, ठीक है. और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि एनल स्टाइल 9th सेगमेंट से आता है और एनल सर्साई 10th सेगमेंट से. ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. यहाँ पे बनाया ताकि ज्यादा हॉश पॉश ना हो. 10th सेगमेंट में बोथ मेल फीमेल. अच्छा, ये मेल है, ब्लू मेल है, पिंक फीमेल है. 8th 9th 10th सेगमेंट में 9th में एनल सर्साई, 10th में ये हमारा सॉरी 10th में एनल सर्साई और 9th में एनल स्टाइल. और ये एनल सर्साई क्या है, ये देख रहे हो गोला 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 सा क्यों बनाया है, बिकॉज इट इज शोइंग दैट इट इज सेगमेंटेड सेगमेंटेड एंड दे आर हाईली सेंसरी इन नेचर. बहुत मस्त सेंस करते हैं, इनका सेंसरी पावर अव्वल दर्जे का है एकदम, ठीक है. चलो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मेल एंड फीमेल का डिफरेंसेस. ये एक छोटू सा टेबल मैंने डाल दिया है. ये लोग लार्जर इन साइज होता है, लार्जर इन साइज क्यों बोला है, क्योंकि इसका बाहर का कवरिंग जो है अपर बाहर की तरफ से ये बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि उसका जो फोर विंग है इट कवर्स द एब्डोमेन एंड एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एब्डोमेन. दैट इज व्हाई दे लुक लार्जर. विंग्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, बट यहाँ पे नहीं करते हैं. नैरो एब्डोमेन होता है मेल का, पर फीमेल का एब्डोमेन क्या होता है, बोट शेप्ड बड़ा होता है. ब्रॉड एब्डोमेन होता है, बोट शेप्ड होता है ना, बोट शेप्ड. कौन सा सेगमेंट, बार बार लिखवा रही हूँ बच्चों, 7th सेगमेंट. एंड देन एनल स्टाइल इज प्रेजेंट, एनल स्टाइल एब्सेंट, ब्रूड पाउच एब्सेंट, पर यहाँ पे प्रेजेंट. ब्रूड पाउच के जगह उसमें जेनिटल एरियाज है, वही 8th 9th सेगमेंट में, ठीक है. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट क्वेश्चंस नाउ, है ना बच्चों. पूरा मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटे. यस, नहीं छूटना चाहिए मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट, ऐसे कंप्लीट किया हम लोगों ने. चलो वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास टुडे. हम लोग अभी बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हाई प्रोबेबिलिटी है ऐसे क्वेश्चंस आने की. तो फटाफट से यार लेट मी सी हु आंसर्स फर्स्ट. गीतांजलि सेज इट इज 4. यार कौन, नीलम इज सेइंग इट इज 4. 4 है क्या, अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन. 4 है नीलम, इतना बार नहीं लिखने का, समझ गई मैं कि 4 बता रही हो तुम. हां जी, तो In cockroach, the body, in spite of being covered by exoskeleton of strong chitinous cuticle, remains flexible. ऐसे ऐसे flexible. नीलम तो हाथ का भी ये बना के भेज रहे, flexible. हैं क्यों? You people are correct because of arthroidal membrane. ऐसे दोनों plates को ये पकड़ के रखे थे membranes, है ना, ये flexible membranes होता है. Last question for today is this. Which part of cockroach acts as upper lip? ऊपर किसको रखने का, फटाफट से let me see यार. अभी इस बार गीतांजलि का कोई beat कर पाता है कि नहीं, let me see. कौन सबसे पहले answer देता है? गीतांजलि 11 क्यों लिख रहा है बच्चा? 11 मतलब, अच्छा 1 को दो बार लिख दिया, अच्छा. अरे सब लोग सही आंसर दे रहे हैं. यस, रम को ऊपर रखने का ना. तो यहाँ क्या पूछा है, विच पार्ट ऑफ द कॉकरोच एक्ट्स एज अपर लिप? हमेशा याद रखना रम को ऊपर रखने का. यस मिराज, करेक्ट आंसर. चलो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच. लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. हम लोग इसके बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज दे दिए जाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फटाफट से कंप्लीट करना. और जैसे मस्त विजुअल्स के साथ आप लोगों को यहाँ पे सिखाया था ना, ऐसे ही मस्त विजुअल्स के साथ वो वीडियोज भी आप लोगों को मिल जाएगा. फटाफट से 1.5 में लगाना, कंप्लीट करना. और कल पूरा उसको कंप्लीट करके मैं लाऊंगी 30 प्रोबेबल क्वेश्चंस, जो मैं चाहती हूँ हर कोई फटाफट से आंसर दे मेरे को कल, है ना. आज कॉकरोच खत्म करेंगे हम लोग. यू विल गेट ऑल दोज वीडियोज बाय 6 o'clock टुडे.
यस आई डोंट वेस्ट आई वोंट वेस्ट एनी मोर टाइम. बच्चों जाओ फटाफट से पढ़ाई करो, रिवाइज करो अभी मैंने जो पढ़ाया है. एंड सी यू ऑल टुमारो, कल मिलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ओके ऑल राइट. और आई वॉन्ट एवरीबडी टू शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स. यार दिस इज अ न्यू बडिंग चैनल. यू पीपल नो कि सारे टीचर्स यहाँ पे कितने ऑसम हैं, कितने हार्डवर्क वो लोग पुट इन कर रहे हैं फॉर एवरी लेक्चर, है ना. तो यार इस चैनल को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, बिकॉज यू नो दिस इज़ अ चैनल क्रिएटेड बाई टीचर्स एंड वी वुड लव टू यू नो गेन मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, द लव ऑफ मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, ताकि ये जो क्वालिटी कंटेंट हम लोग बना रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि ये यूट्यूब में एक कोने में पड़ा रहे. आई वॉन्ट कि ये क्वालिटी कंटेंट मास ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स को पहुंचे, एवरीवन हु कैन और कैन नॉट अफोर्ड द ह्यूज प्राइस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना. एवरीवन शुड गेट एक्सेस टू the awesome classes that we are preparing here. Okay, bacho, let's not waste any more time. Get back to your studies. See you tomorrow. Chalo, bye.